तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। एक बार पुनः आप सबको जय श्री कृष्ण। आओ फिर चलें जीवन की सुखद यात्रा में और आगे, जीवन की बात, जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए। जो बात चल रही थी वो प्रातःकाल के नियम की, क्योंकि हमें इन दिनों जिस चर्चा को विशेष रूप से लेना है वो है जीवन की दिनचर्या। आंख खुलने से प्रारंभ होकर अभी हम पहुंचे हैं स्नान इत्यादि के पश्चात प्रातःकाल का नियम, पूजा पाठ, मंत्र जाप और विशेष रूप से ध्यान। और उसमें भी जो चर्चा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में, व्यवहारिक समस्या के रूप में सामने आई है, आप सबके जीवन और प्रैक्टिकल रेफरेंस, व्यवहारिक संदर्भ को देखते हुए वो थी मन ना लगने की। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग एक दिन, दो दिन, चार दिन बैठेंगे, जब देखेंगे मन नहीं लग रहा तो ये सोच कर छोड़ देंगे नियम कि क्या करें, मन तो लगता नहीं है। यहाँ एक मिनट के लिए आप विचारें कि बच्चा यदि स्कूल दो दिन जाए फिर कहे कि मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो टू स्कूल, तो क्या उसे आप ये कहोगे कि ठीक है नहीं मन लगता तो घर बैठ जा? शायद नहीं। आप उसे यही कहोगे कि स्कूल तो जाना है, स्कूल जब जाएगा, क्लास में बैठेगा तो धीरे धीरे पढ़ाई समझ आएगी, मन भी लगेगा उसमें। और अगर स्कूल जाएगा ही नहीं तो आगे का जो स्टेप है, आगे की जो स्टेज है वो कैसे अचीव होगी पढ़ाई के रूप में? बिल्कुल यही स्थिति मन की है। इन रियलिटी माइंड इज एन इनोसेंट चाइल्ड, मन एक अबोध बच्चे की तरह ही है। मन शुरू में कहेगा कि नहीं कुछ मिल रहा, नहीं कुछ हो रहा, और छोड़ना चाहेगा ध्यान को। और आप भी सोच लोगे मन नहीं लग रहा तो छोड़ दें। आज से इस बात को ध्यान में रखें, याद रखना कि बच्चे को अगर पढ़ना है तो पहले उसे नियम से स्कूल जाना सीखना होगा। यदि हम चाहते हैं कि लाभ मिले ध्यान का, भजन का, पाठ का, तो हमें नियम से बैठना शुरू करना होगा।
नियम से बैठें, आप एक समय निश्चित करें, भले ही थोड़ा, इन द बिगिनिंग स्मॉल टाइम, थोड़ा समय ही आप स्टार्ट करें और बैठें, पक्का करें रोज बैठना है। जैसे अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, शॉप में, आप 8 घंटे कम से कम बैठते हैं ना, सोचो बैठते हैं। जब हम नींद में जाते हैं तो 6 घंटे कम से कम, कुछ लोग अधिक, कुछ लोग कुछ कम, विश्राम के लिए जाते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ समय भी निकालो कि इतना समय तो मुझे बैठना है। और ये समय जो होगा, ये भी निश्चित समझो कि ये समय भगवान पर कोई एहसान नहीं होगा। जो हम उसके लिए बैठेंगे, ये उस पर कोई एहसान नहीं है, ये समय तो अपने लिए है, ये तो अपने आनंद के लिए है, ये तो अपने कल्याण के लिए है, अपनी बेटरमेंट के लिए है, अपनी एनर्जी के लिए है। ये समय तो मेरे अपने लोक और परलोक दोनों के सुधार के लिए है, और मुझे अच्छा है औरों के लिए भी समय निकालें, लेकिन अपने जीवन को भी तो देखना चाहिए ना। इससे कई बार हमने देखा पढ़ाई में, जब एग्ज़ाम होते थे और क्वेश्चन पेपर्स आते थे, उसमें लिखा होता था कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई 5 प्रश्न करो, लेकिन साथ ही प्राय लिखा होता था बट फर्स्ट इज कंपल्सरी, पहला प्रश्न अनिवार्य है। हमें ऐसा ही लगता है और ऐसा ही आपसे कह भी रहे हैं कि जीवन में और भी काम करो, जो जो निश्चित हैं वो सब काम अपने अपने करो, ढंग से करो, अच्छे ढंग से करो, लेकिन इट्स बट नेसेसरी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, इट्स नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, जीवन का अनिवार्य विषय है तो करना ही है, फॉर्मेलिटी नहीं, जीवन की आवश्यकता। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा हो, कुछ लोग सोच रहे हों कि क्यों ये जीवन की नेसेसिटी है, क्यों जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है, कोई इसके पीछे तर्क, लॉजिक, देर आर लॉजिक्स। कोई भी बात आपसे बिना लॉजिक के नहीं की जाएगी, जो भी आपसे कहा जा रहा है वो पूरी तरह तर्कसंगत, लॉजिकल, विद आर्गुमेंट्स। और सच में ये हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही है जहाँ लॉजिक्स हैं और जहाँ क्वेश्चन आंसर्स की, जिज्ञासा समाधान की छूट है, जहाँ आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या, क्यों, कैसे। कि यदि कहीं परमिशन है तो वो केवल हमारे संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में। और इसलिए एक बात और आपसे कह दें कि हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति निश्चित रूप से गौरवान्वित रहना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज, आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, आवर सनातन हिंदू धर्म। वी शुड बी प्राउड ऑफ, हमें गर्व होना चाहिए इस पर। यहाँ तर्क हैं, यहाँ आप अपने मन की बात कह सकते हो और उसका उत्तर ले सकते हो। और जो बात चल रही थी कि कोई कहे कि ये क्यों जीवन की आवश्यकता है, और आवश्यकता में भी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेसेसिटी, सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता, क्यों, इसलिए
कि जीवन में जो हम चाहते हैं वो बिना इसके नहीं। हमारी जीवन की सबसे पहली आवश्यकता क्या है, एक क्षण के लिए चलो आपके साथ, आपके लेवल पर बात करें, एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि परमात्मा को, मेडिटेशन को, ईश्वरीय ध्यान को थोड़ा सा अलग रखते हैं। उससे अलग अपने व्यवहारिक जीवन में हम सबसे पहली चीज़ क्या चाहते हैं, अब तक जो हमने चाहा वो किसके लिए चाहा, अल्टीमेट हमारी जो डिमांड है वो क्या है। तो आपको लगेगा एक ऐसी मांग, एक ऐसी इच्छा, वो है पीस, शांति, आनंद, एक ऐसा सुख जो सदा मेरे पास रहे। क्यों, क्या ये मांग है या नहीं, सोचो। निश्चित आप स्वीकारेंगे ये मांग तो है ही हमारी, और जब ये मांग है, ये मांग सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है और सबकी है, जब ये मांग है शांति की, तो दूसरी बात मानसिक शांति का कोई विकल्प है ही नहीं। पीस ऑफ माइंड, एटर्नल पीस, एटर्नल ब्लिस, परमानेंट पीस, उसका नो अल्टरनेट, कोई अल्टरनेट नहीं इसके बिना, वो मिलेगी ही यहीं। संसार आपको देगा, लेकिन क्या देगा, फिजिकल प्लेयर्स एंड दोज प्लेयर्स आर शॉर्ट लिविंग, वो क्षणिक होंगे, आने जाने वाले, कमिंग एंड गोइंग, ये उनकी नेचर में होगा। तो वहाँ से वही मिलेगा, लेकिन परमानेंट पीस तो परमानेंट से ही मिलेगी। जब आप परमानेंट एग्जिस्टेंस, दैट्स लॉर्ड, दैट्स गॉड, जब आप उसमें मन को लगाएंगे, तो वहाँ से आपको एक बिल्कुल सहज स्वाभाविक शांति मिलेगी, और वो शांति ऐसी होगी जो अंदर ही अंदर एटर्नल पीस, इंटरनल पीस, वन एंड द सेम थिंग। शाश्वत शांति अपने अंदर जब हम कनेक्शन वहाँ जोड़ेंगे, तो इसलिए आप समझें ये जीवन की पहली आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसी से हमें मानसिक शांति मिलेगी, इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए इसे आप फॉर्मेलिटी नहीं माने, इसे आप जीवन की सबसे पहली आवश्यकता माने, और जब आप ऐसा मान लेंगे तो आप विश्वास करें कि मन लगना शुरू हो जाएगा, गाड़ी बिल्कुल सहज ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी। और ये आप जानते हैं कि गाड़ी आगे अपने लक्ष्य में, गंतव्य में पहुंचने में इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन ट्रैक पे आना और गाड़ी का चल पड़ना, बस वहाँ तक गाड़ी इससे ट्रैक पे आएगी, मन की और लक्ष्य की ओर, आनंद की ओर आगे बढ़ निकलेगी। आप इसे करें। एक छोटी सी समस्या, उसको भी हम लेते चलें। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब पाठ में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं नींद का असर होने लगता है। बैठते हो तो पाठ में है, ध्यान में है, लेकिन बैठते ही मन ध्यान में एकाग्र होने के स्थान पर स्लीपिंग मोड में चला जाता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है, और उठते हैं फिर लगता है कि बैठे तो थे, बस निराशा सी अंदर की अवेयरनेस लेके बैठे।
अंदर से जागरूकता लेके। इसीलिए पहले कहा गया जो बात है कि थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी एक्सरसाइज, प्राणायाम या कुछ शारीरिक सजगता, वो भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ मानसिक अवेयरनेस, मन से जागरूक बैठें, मन पर अंकुश रखें कि ये समय सोने का नहीं, ये समय ध्यान का है, भजन का है। और फिर भी यदि लगे कि मन नहीं एकाग्र हो रहा, नींद की ओर जा रहा है, तो ध्यान छोड़ दें कुछ क्षणों के लिए, या तो बोल करके कीर्तन प्रारंभ कर दें, भगवान का नाम लाउडली उच्चारण करें, हल्की हल्की ताली भी बजानी पड़े तो बजाएं। थोड़ा सा सजगता लाने के लिए आप कीर्तन प्रारंभ कर दें, बोल करके कुछ नाम उच्चारण करें, तो उससे क्या होगा, कुछ क्षण सजगता आएगी। और फिर भी लगे, खड़े भी होना पड़े तो कुछ क्षणों के लिए आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर ताली बजाकर या हल्का मंजीरा, लेकिन जागरूक। होता क्या है कि उस समय हम जागरूक नहीं रहते, जब हल्की सी नींद आती है, आते आते बस नींद ही हावी हो जाती है और नींद के सुख में ही मन चला जाता है। जैसे नींद आने लगे उसी क्षण आप ध्यान को छोड़ दें, उसी क्षण आप जाप करें, बोल करके जाप करें, या कोई भगवान से प्रार्थना करने लगें, भगवान से कहने लगें, मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई ऐसी प्रार्थना भगवान से करने लग जाए, भगवान को निहारें, उनसे कहें कि आप बल दो, शक्ति दो। और फिर जब लगे कि थोड़ी जागरूकता आई है, सजगता आई है, शरीर में भी और अंदर मन में भी अवेयरनेस आई है, तो फिर बैठ जाएं और बैठ करके फिर वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया, वही भाव, अंदर की जागरूकता के साथ फिर कोशिश करें अंदर से मन की वृत्ति लगे, मन की तार जुड़े, मन का कनेक्शन मिले, और उसी ढंग से अंदर ही अंदर या तो जो नाम धुन आपने बाहर वाणी से उच्चारण की, उसी को ही अंदर अपने ध्यान का विषय बनाएं, उसी भाव से अपने आप को ध्यान में ले चलें, या फिर अपने गुरु मंत्र के सहारे, नाम के सहारे, या केवल ओम के आश्रय से आगे की बात। फिर आगे अभी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।